प्लेटो ने सबसे पहले इंसान की परिभाषा बताई थी। उन्होंने कहा था, हम इंसान एक बिना पंख वाले परिंदे हैं। जब प्लेटो की यह परिभाषा फिलोसोफर डायोजनीस तक पहुंची तो वो एक प्लक्ड चिकन को प्लेटो की एकेडमी में लेकर आए और वहां मौजूद विद्वानों से प्लेटो के इस इंसान को सलाम करने को कहा। प्लेटो के शिष्य का तो यह भी कहना था, इंसान एक सामाजिक जानवर है और राजनीति उसके जीवन का हिस्सा है। पर चींटियां, मधुमक्खियां और दीमक हमारे मुकाबले ज्यादा व्यवस्थित और स्थिर सामाजिक बनावटें रखते हैं। 16वीं सदी के फ्रेंच फिलोसोफर मिशेल डी मोंटेन ने लिखा था, वफादारी के मामले में दुनिया में इंसान से बदतर और कोई नहीं। पर शायद वो जुगनू से वाकिफ नहीं थे। क्या आप जानते हैं मादा को आकर्षित करने के लिए जुगनू चमकते रहते हैं? पर कुछ नर अपनी किसी साथी को लुभाने के लिए अपना खास पैटर्न बनाते हैं। यानी जैसे हम अपने किसी दोस्त द्वारा उसकी गर्लफ्रेंड को भेजे जा रहे मैसेज को तोड़ मरोड़ के उसका मतलब ही बदल डालें। ऐसा होने पर उसकी गर्लफ्रेंड नाराज हो जाएगी और साजिशकर्ता की लॉटरी खुल जाएगी। है ना कमाल की बात। 18वीं सदी के स्कॉटिश फिलोसोफर एडम स्मिथ ने फ्री एंटरप्राइज कैपिटलिज्म की हिमायत में लिखा था कि एक के बदले दूसरी चीज लेने देने की खूबी सिर्फ एक ही जीव में मिलती है, इंसान में। पर क्या यह सच है? चिंपैंजी लेन देन को बखूबी समझने वाले जीव हैं। वो सेक्स के लिए खाने, खिदमत और नेता को धोखा देने जैसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, यहां तक कि बच्चे की जान बचाने के लिए भी। यानी सेक्स के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हम ही इकलौती प्रजाति हैं जो दूसरे जानवरों को गुलाम बनाकर उनका शोषण करते हैं, उन्हें बंदी बनाकर रखते हैं। काश अफ्रीकन सवाना के इस कॉकरोच को यह पता होता, एक एमरल्ड वॉस्प इसे ड्रग देकर अपने तहखाने में बंदी बनाना चाहता है। वॉस्प इसके शरीर में जो जहर झोंकेगा उससे कॉकरोच की आजाद होने की इच्छा ही खत्म हो जाएगी। अब जो भी हो, ये कॉकरोच यहां से भागने वाला नहीं है। वॉस्प इसे अपनी मांद में खींचकर ही दम लेगा। फिर ये इसके शरीर में एक अंडा देता है और फिर बिल में दाखिल होने वाली जगह को पत्थरों और लकड़ी से बंद कर देता है। इसके पीछे वजह है कॉकरोच को ज्यादा से ज्यादा समय जिंदा रखना ताकि इसके अंग ताजा बने रहें। वॉस्प का बच्चा कॉकरोच के शरीर में पलते हुए उसे खाता जाएगा। बड़ा होने पर वो मर चुके कॉकरोच से बाहर आ जाएगा। पर औजार और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के बारे में क्या कहेंगे? और किसिंग? तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम ये दावा करें कि सिर्फ हमारी प्रजाति ही जज्बात जताने का ये तरीका अपनाती है?